हेलो एवरीवन, मैं हूँ जवा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ जवास लिटिल वर्ल्ड। आज मैं सबसे बड़े टॉपिक जिन्हें BSCI के पेशेंट हैं उनके 99% लोगों को यही प्रॉब्लम है बॉबल और ब्लेडर की, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग कहीं जा नहीं सकते, लोगों के सामने शर्मिंदगी होती है क्योंकि हम चल नहीं सकते, वो तो प्रॉब्लम है ही, बट उससे बड़ा प्रॉब्लम ये दो प्रॉब्लम है। तो आज मैं इस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं क्या कुछ फेस की हूँ मेरे ऑपरेशन के बाद, जब से मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। तो जब मैं बॉम्बे गई ऑपरेशन करने के लिए, तब मैं बिल्कुल ठीक थी, चल सकती थी, तब मैं 10th में थी। सच में मुझे पता ही नहीं था कि ऑपरेशन के बाद ये कैथेटर ऐसा कुछ होता है, ये लगाना पड़ता है, मुझे पता ही नहीं था। और मुझे हॉस्पिटल में, मैं 11 महीने एडमिट थी तो 10 महीने मुझे कैथेटर लगा था, जिन्हें भी SCI के पेशेंट उन्हें पता है। और जब मैं डिस्चार्ज होने वाली थी तो 1 महीने पहले मुझे वो कैथेटर निकाले थे, मतलब वो देख रहे थे कि मैं कंट्रोल कर पाती हूँ या नहीं। बट जैसे वो निकालते थे और क्या बोलूँ, मुझसे यूरिन पास नहीं होता था, मेरा पेट पूरा फूल जाता था। और मैं ये सब 11 महीने क्या क्या मैंने प्रॉब्लम देखी थी हॉस्पिटल में, मैं जानती हूँ। बट जब मैं घर आई थी, मतलब मुझे वहाँ पे ट्रेनिंग दिए थे, एक्सरसाइज था, वो मैं आपसे शेयर करूँगी अभी। तो मैं ही बोलती हूँ जिन्हें भी SCI के पेशेंट है, जो भी मैं जो आपको एक्सरसाइज दिखाऊँगी आप ज़रूर करो, क्योंकि मुझे वहाँ पे दो मैम मुझे ये सब एक्सरसाइज करा के देते थे 1-1 घंटा आके, और मम्मी पापा हमेशा करते रहते थे। घर आके भी वही सब की इस वजह से आज मैं ये सब कर रही हूँ, आगे मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। पहले मैं कुछ नहीं कर पाती थी, मुझे कमर के नीचे से कोई सेंस नहीं था, तो ये प्रॉब्लम तो आने ही वाला था। तो ये जो कुछ भी आज भी है, मैं बाहर जाती हूँ, मेरे ब्लॉग में देखे लास्ट में ताड़ोबा गई, हिम्मत नहीं होता था कि मैं सिटी जाऊँ क्योंकि ये प्रॉब्लम है और मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था। तो मैं घर में आके बॉम्बे से, फिर घर में आके पापा 1-1 घंटे के बाद एक बार पापा एक बार मम्मी एक्सरसाइज करते थे, और मैं भी खुद से करती थी जो कुछ ये कंट्रोल करने का है बॉबल और ब्लैंडर का। तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ जिन्हें भी प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, जो भी पैरालाइज है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही दो है। तो आप एक्सरसाइज करो, उससे ज़रूर आपका कंट्रोल होगा, आप ठीक होंगे। क्योंकि मैं पूरा 100% तो ठीक नहीं हुई, पता है, मैं आज भी चल नहीं सकती, बट मुझे ये दो प्रॉब्लम में बहुत कंट्रोल हुआ है क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और एक्सरसाइज से ही होगा, इसकी वजह से, इसके बिना कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज करना ही है। तो अभी तो मैं ये एक्सरसाइज दिन में 2 बार करना सबसे बेस्ट है, बट मैं अभी सच बोलूँ तो अभी मैं 1 बार कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरी अब छोटी सी बेटी है, उसको वक्त देना पड़ता है, और लाइफ पहले से बहुत चेंज हो चुका। जब शादी नहीं हुई थी तब ये एक्सरसाइज मेरे लाइफ में बस एक्सरसाइज ही था, एक्सरसाइज वही करती थी, बट अभी वक्त नहीं मिलता, 1 बार करती हूँ तो अभी मैं करूँगी, तो इसलिए मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ। तो आज का वीडियो आप पूरा देखो और भरोसा रखो ठीक होंगे, क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जो खुद से करवट नहीं ले सकती थी। तो आज मैं आपके सामने हूँ, मैं क्या करती हूँ मेरे ब्लॉग में आप देखते हो। तो चलो अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। और जो भी मेरे चैनल पर नहीं आए हो, मेरे न्यू यूट्यूब फैमिली, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करो। तो चलो वीडियो पूरा देखो। तो मम्मी ये एक्सरसाइज करके देती है, मैं हर एक्सरसाइज कर सकती हूँ अभी, बट ये वाला एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। हर एक्सरसाइज नहीं, बट 50% से ज़्यादा एक्सरसाइज अब मैं खुद करती हूँ, पहले ये सब मेरे मम्मी पापा करके देते थे, और आज मैं जो खुद से एक्सरसाइज करती हूँ तो ये भी मेरे मम्मी पापा की वजह से, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से, क्योंकि मम्मी पापा ने मेरे लिए जो तकलीफ़ की है तो ये मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। और मम्मी पापा ये एक्सरसाइज 1-1 घंटे बाद एक बार मम्मी एक बार पापा करके देते थे बॉम्बे से आने के बाद, मेरे लिए मेरे मम्मी पापा ने बहुत तकलीफ़ की है, और उसी की वजह से आज मैं खुद से बेड पे उतर सकती हूँ। मैं खुद से करवट भी नहीं ले पाती थी, मुझे पकड़ के करवट दिलाते थे, मेरी कंडीशन ऐसी थी। तब मैं कोई वीडियो नहीं की, अगर कर पाती थी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती थी कि मेरी कंडीशन क्या थी। ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा कमर उठा रही हूँ, पहले ये कुछ भी नहीं हिलता था, उठता भी नहीं था, मैं
हाथ से थोड़ा प्रेशर देती और मम्मी को बोलती आप भी थोड़ा करो, और डॉक्टर भी यही बोलते, बट मेरा कमर अभी उठता है, पहले कुछ नहीं उठता था। और ये एक्सरसाइज भी वही ब्लैडर के लिए ही है, क्योंकि ये जब प्रेशर देते हैं तो इसके पूरे मसल्स, थाई के मसल्स, ये सब खींचता है, तो इससे भी पूरा कंट्रोल होता है बॉबल और ब्लैडर भी। तो ये एक्सरसाइज भी आप जितना देर कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना अच्छा है। तो ये सब मैं होल्ड करती हूँ, 10 बार मैं काउंट करती हूँ, खुद को होल्ड करके रखती हूँ। और सच बोलूँ पहले मुझसे ये कुछ नहीं होता था, तो ये सब एक्सरसाइज की वजह से है। तो आप भी ज़रूर करो, और जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना अच्छा है। उसके बाद देखो दोनों हाथ साइड में रख के अब कमर को मैं उठाती हूँ। और मैं आज आपको इतने बोलने में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझसे ये पहले कुछ नहीं उठता था। हाथ पे प्रेशर देखे, देखो मैं कमर उठा रही हूँ। मम्मी को पकड़ने इसलिए बोली क्योंकि मेरा पैर नीचे गिर जाता है, दोनों दो साइड चले जाता है, तो इसलिए मम्मी पकड़ के रखी है। और जब भी मैं इसको उठाती हूँ वही 10 बार मैं काउंट करती हूँ, या कभी कभी 10 बार नहीं होता है तो जल्दी से हो जाता है, क्योंकि पूरा ताकत तो नहीं है। तो ये जो मैं आज एक्सरसाइज आपसे शेयर कर रही हूँ, तो ये दोनों बॉबल और ब्लेडर के लिए है सब एक्सरसाइज। तो इससे भी पूरे मसल्स खींचते हैं, और ये दोनों प्रॉब्लम में, दोनों में इसमें बहुत फ़ायदा है। और क्योंकि मैं खुद करके मुझे पता है, मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल हूँ, तो जिन्हें भी प्रॉब्लम है आप ये सब एक्सरसाइज करो, आपके दोनों प्रॉब्लम में कंट्रोल होगा। और उसके बाद देखो दोनों पैर मतलब एक साइड लेना है, और अपना फेस और बॉडी दूसरे साइड लेना है। तो इससे जो मैं हाथ दिखा रही हूँ, इधर के मसल्स में पूरे खिंचाव होता है पेट के, तो इससे जो स्टूल भी पास होता है तो उसमें भी कंट्रोल होता है। और मैं जो आपको बोल रही हूँ ये सब मुझे मैम ने, दो मैम मुझे बताए थे और करके देते थे पूरा, दोनों मैम करके देते थे और मुझे सब बोले, तो वही मैं आपसे सब कर रही हूँ। और आज मुझे पहले से मेरी जो कंडीशन थी, आज मेरी कंडीशन बोल सकते हो 80% ठीक है। हाँ मैं चल नहीं सकती वो नहीं बता रही हूँ कि मैं ठीक हो गई, नहीं मैं तो चल नहीं सकती, बट मेरी जो कंट्रोल नहीं होता था उसमें बोल रही हूँ मैं 80% में ठीक हुई हूँ, सिर्फ इस एक्सरसाइज के वजह से। इससे पूरे दोनों पैरों की मसल्स, पेट के मसल्स जो कंट्रोल होता है, जो भी है तो उसमें पूरा अच्छे से कंट्रोल होता है। तो आप भी ये एक्सरसाइज करो। मैं 20-20 बार करती हूँ, बट इसमें मैं पूरा नहीं दिखाई, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ये देखो इस साइड के मसल्स पूरे खींचते हैं, तो इससे ये दोनों में बहुत कंट्रोल होता है। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपके हिप के मसल्स के लिए। तो खुद को अपने मसल्स को अंदर खींचना है, फिर थोड़े देर होल्ड करके फिर उसको रिलीज़ करना है। तो ये भी आप 10, 20, 50 जितना कर सकते उतना अच्छा है। तो इससे भी आपको दोनों प्रॉब्लम में बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। और ये वाला सच में बहुत
बहुत इम्प्रूव हुआ है इसकी वजह से। और मुझे अभी भी याद है मैम मुझे ज़्यादा ये वाला करने बोलते थे और मैम हाथ रखे बोलते थे अंदर लो मसल, तो जैसे थोड़ा लेती थी तो मैम को भी फील होता था हाँ। तो ये करके भी मैं आज बहुत मुझ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है ये एक्सरसाइज करके, तो एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला मम्मी करके देती है क्योंकि ये मुझसे नहीं होता है। तो ये पैर जैसे ऊपर उठाए थे तो इसको जो ये आप मैं हाथ दिखा रही हूँ इस साइड के मसल्स पे पूरा प्रेशर होता है और ये एक्सरसाइज करने से जो स्टूल पास होता है उस पे कंट्रोल होता है। और जैसे पैर ऊपर उठाते हैं तो लोअर ऐप है जो हमारे पेट के लोअर ऐप, तो उसमें भी उस पे कंट्रोल होता है जिससे कि ब्लेडर में भी कंट्रोल होता है। तो ये एक्सरसाइज भी मम्मी एक एक पैर 30-30 बार मम्मी करके देती है एक बार। तो ये और एक एक्सरसाइज है तो इससे भी मतलब स्टूल पास होने में उसमें कंट्रोल होता है। जैसे पैर मम्मी ऊपर उठाती है तो हिप के मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलता है, और जैसे पैर ऊपर उठाते हैं तो हमारे लोअर ऐप हैं तो उस पर भी कंट्रोल होता है, ब्लेडर में भी कंट्रोल होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको भी आपको 30 टाइम कम से कम करना है। ये देखो यहाँ के मसल्स में पूरे स्ट्रेंथ होता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है। उसके बाद ये और एक एक्सरसाइज है जो दोनों पैर को धोके इस तरह करना है, एक पैर उस साइड फिर दूसरा पैर इस साइड। ये खुद से मुझसे नहीं होता तो मम्मी हमेशा करके देती है, तो इससे भी जो मसल्स है उसमें बहुत इम्प्रूव होता है और मेरा इससे बहुत इम्प्रूव हुआ है। और इस एक्सरसाइज से भी लोअर ऐप में खिंचाव होता है ये देखो यहाँ से, और इससे मुझे मेरे बॉबल और ब्लेडर में तो इम्प्रूव हुआ ही है। और अभी जैसा कि मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है तो इससे भी ना मेरा जैसा पेट बहुत बढ़ चुका है, तो इससे मुझे उसमें भी बहुत क्या बोलते हैं अच्छा हो रहा है। आई मीन मेरा पेट जो बढ़ चुका है तो बहुत अभी कम हो चुका है। तो दूसरा भी एक्सरसाइज है जो कि पुशअप्स है वो सब भी मैं करती हूँ, तो उससे भी मेरे अभी थोड़े कम हुए हैं और इससे बहुत इम्प्रूव हुआ है पहले से और अभी भी। और तो ये भी मैं 20-20-30-30 टाइम करती हूँ, तो आज मैं पूरा नहीं दिखाई, मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई। उसके बाद ये देखो एक एक्सरसाइज है, दोनों पैर के बीच में मैं बलून रखती हूँ, बट बलून अभी घर पे था नहीं, तो आप पिलो भी रख सकते हो, इससे भी जो हल्का एकदम सॉफ्ट वाला पिलो होता है तो वो उसको दोनों घुटने के पैरों के बीच में रख के घुटने से प्रेशर देना है कि मैं दबा मतलब उसको मैं प्रेशर दे रही हूँ। तो और यहाँ देखो मेरी बेटी आ गई, तो ये जो मैं दोनों घुटनों से मैं तकियों को प्रेशर दे रही हूँ तो इससे मेरे पेट में भी पूरा मतलब मसल खींचता है पैरों पे। तो आज मैं जो जो भी एक्सरसाइज दी सारे एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है और सारे बहुत बहुत इससे मुझे बहुत इम्प्रूव हुआ है। और जिसे भी अगर SCI के प्रॉब्लम है आपको, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिन्हें भी हुआ है, ये एक्सरसाइज सब करो। जानते हो इसमें बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं आज करोगे 10 दिन में हो जाएगा, स्लोली स्लोली होता है। डॉक्टर ने भी मुझे बोले थे
कि इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब ठीक होगा, हो सकता है कल हो सकते हो, या एक महीने में, या एक साल, या लॉन्ग टाइम। मेरा तो लॉन्ग टाइम हुआ है, बट मैं चल अभी भी नहीं सकती, बट मुझ में बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत मीन्स बहुत। उस दिन मेरी एक कज़न सिस आई थी, तो मैं खुद से जैसे नीचे उतरी तो वो भी बोल रही, दी आप पहले आपको कुछ भी नहीं आता था। तो मैं बोली हाँ, ये सब एक्सरसाइज की वजह से, और उसके सामने ही मैं सब एक्सरसाइज कर रही थी, वो बैठ के सब देख रही थी। तो ये देखो, इससे मैं जैसे कि घुटने में प्रेशर देती हूँ, सारे मेरे पैरों के मसल्स में पूरा खिंचाव आता है। तो इससे ना बॉबल और ब्लेडर में बहुत इम्प्रूव होता है, जो जिसे भी प्रॉब्लम है यहाँ पे करो, ये बहुत अच्छा है। तो जैसे मैं प्रेशर दे रही थी, मम्मी को यहाँ पे हाथ लगा के मैं बता रही थी, मम्मी मुझे ऐसा पूरा फील होता है कब ताकत आएगी, तो मम्मी बोली तू कोशिश करते रहे, ज़रूर होगा। मम्मी मुझे समझा रही थी, जब इतना इम्प्रूव हुआ है तो आगे भी होगा। तो ये भी पूरा करना है, आप 30 टाइम 50 100 जितने टाइम आप काउंट करते रहो, मतलब घुटने से जैसे मैं प्रेशर देती हूँ और मैं मन में मन काउंट करती हूँ, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद ये जो है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और एक तो ये देखो, ये एक्सरसाइज में अभी मेरे पैरों में देखो थोड़ा कंट्रोल है, पहले पैर गिर जाता था, हाँ दूसरा एक्सरसाइज उसमें पकड़ना पड़ता है। तो ये देखो, ये जो एक्सरसाइज है, इससे भी पूरा नहीं कि आपके लोअर ऐप पे पूरा है, देखो ऐसा खिंचाव आता है। और मम्मी वहाँ पे साइड में बैठी है, तो मम्मी को बोल रही, इससे मेरे पेट के एक्सरसाइज भी हो रहा है, कमर का भी, जैसे कमर भी नहीं हिलता है, तो अभी तो थोड़ा बहुत हिलता है, जैसे मैं कमर उठा भी सकती हूँ, तो इससे मेरे क्या कहते हैं ऐप पे भी हो रहा है, क्योंकि मेरा पेट बढ़ चुका है, तो वो भी इम्प्रूव हो रहा है, और मेरे लोअर ऐप के लिए भी, जो कि कंट्रोल होता है बॉबल और ब्लेंडर में। तो आज जो मैंने एक्सरसाइज की, सारी इम्पॉर्टेंट है। और ये भी मैं अभी देखो, मैं उठ सकती हूँ, मेरा सर, मेरा शोल्डर भी थोड़ा उठा सकती हूँ, पहले मैं ये कि बिल्कुल नहीं कर पाती थी। तो आज मैं मम्मी को बहुत सारे एक्सरसाइज कर रही थी और बोल रही थी, स्टार्टिंग की मैं जबकि बॉम्बे से आई थी, 7-5-6 महीने के बाद भी मुझसे कुछ नहीं होता था। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और एक एक्सरसाइज है। तो मम्मी को भी बोल रही थी, मम्मी जानती हूँ मैं अभी ठीक नहीं हुई, बट पहले से मुझ में बहुत इम्प्रूव है ना। तो मम्मी भी बोली, हाँ पहले तुझसे कुछ नहीं होता था। तो ये भी मैं बहुत 30-40 टाइम करती हूँ अभी, मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा करती हूँ शाम को। नहीं तो ये आप एक एक एक्सरसाइज में आप आधा आधा घंटा दो, मतलब 150-200 बार करो, 300 बार, तो बहुत अच्छा, जल्दी आप रिकवर करोगे। और हाँ, आपको पेशेंस रखना होगा, ये जल्दी होने की, आप जल्दी चाहोगे तो कभी नहीं होगा, धीरे धीरे, मतलब अपनी ईमानदारी से रोज़ एक्सरसाइज करना है, तो आप ज़रूर ठीक हो जाओगे। मुझ में इतना इम्प्रूव आया है, तो आप में भी ज़रूर होगा, मुझसे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सबके कंडीशन अलग है, मेरे कंडीशन अलग है। तो यहाँ पे देखो, मम्मी को भी मैं सब कुछ बता रही थी, जैसे मैं ऊपर आती हूँ तो मेरे पैरों में पूरा नस खींचता है, तो इससे सारे एक्सरसाइज सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अच्छा लगा तो कमेंट भी करो। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ये भी लास्ट एक्सरसाइज है जो मम्मी लास्ट में करके दे रही थी। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।